अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फिल्म दंगल की बबीता यानी सुहानी भटनागर की मौत की असल वजह सामने आ गई है। आमिर खान की मारूफ तरीन फिल्मों में से एक दंगल में बबीता भुगट के बचपन का किरदार निभाने वाली चाइल्ड स्टार सुहानी भटनागर हफ्ते के रोज महज 19 बरस की उम्र में इंतकाल कर गई थी। तो इतनी कम उम्र में सुहानी की मौत क्यों कर वाक्य हुई आप जान पाएंगे आज की वीडियो में, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और शोबिज़ से वाबस्ता हर खबर को हासिल करने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, सुहानी की इस कम उम्र की मौत पर पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री है अफसरदा। सुहानी भटनागर फिल्म दंगल में आमिर खान, साक्षी तनोर और जायरा वसीम के साथ आई थी नजर और इन्होंने फिल्म में इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस की थी कि फिल्म में दाद के साथ साथ इनको कई टीवी इश्तेहारात भी मिले थे। इतनी छोटी उम्र में अच्छी खासी शोहरत हासिल करने के बाद सुहानी ने अदाकारी छोड़कर पढ़ाई पे तवज्जो देने का फैसला किया था, जिसकी वजह से दंगल के बाद इन्होंने किसी और फिल्म में काम नहीं किया। सुहानी भटनागर की इतनी कम उम्र में मौत पर आमिर खान प्रोडक्शन की जानिब से एक इंस्टाग्राम पोस्ट भी शेयर की गई, जिसमें सुहानी को अदाकारी के लिए एक स्टार करार दिया गया। पोस्ट में यह भी कहा गया कि अदाकारा की मौत से प्रोडक्शन हाउस को सदमा पहुंचा है, वो इनके स्टार थी और हमेशा रहेंगी। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं सुहानी की इस कम उम्र में मौत की वजह की तरफ। तो रिपोर्ट के मुताबिक सुहानी की मौत गलत इलाज की वजह से हुई है। सुहानी को कुछ अरसे कबल टांग में चोट आई थी, जिसके बाद इनके फ्रैक्चर का इलाज शुरू किया गया। दौरान इलाज इनमें दवाइयों के मुजर असरात नुमाया होने लगे। भारतीय जराये के मुताबिक अदाकारा के जिस्म में स्याल बनना शुरू हो गया था, जिसकी वजह से इनकी मौत हो गई। सुहानी काफी दिनों से दिल्ली के अस्पताल में दाखिल थी। इनकी आखिरी रसूमात हफ्ते को फरीदाबाद में अदा कर दी गई। तो फ्रेंड, ये थी सुहानी की इतनी कम उम्र में मौत की वजह। जानकर आपको कितनी हैरत हुई, कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आपकी राय के इजहार का इंतजार रहेगा।